एंकर नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा नाभा के गांव महेश पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुखपाल खैरा ने कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने में कैप्टन सरकार विफल रही है। सरकार ने सिर्फ दावे के लिए, लेकिन फिर भी पंजाब के नौजवान रोजाना नशे के ओवरडोज से मर रहे हैं। इस इलाके कोलियावाली की गिरफ्तारी पर कहा कि अकाली भाजपा सरकार में कोलियावाली ने काफी ज्यादा इकट्ठी की है और आलिशान इमारतें खड़ी की है। सरकार को चाहिए कि इससे भी बड़े मगरमच्छ इन सब के पीछे बैठे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर खुलासे किए जाने चाहिए। बस नौजवान ने जना जेडे बेरोजगारी दे आलम विच फिरदे ने, उन्हां दा कसूर कोई नहीं गा। और जेडे स्मगलर छोटे मोटे क्राम दो क्राम दे, इन्हां नूं फड़ के इहदा मसले दा हल नहीं गा। इहदा जद तक कहिंदे हुंदे ने कि मगरमच्छ जेडे बैठे ने उन्हां नूं जे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उन्हां दे हथ नहीं पावेगी, उन्नी देर तक इस मसले दा हल नहीं। सो इह जेड़ा हफ्ता जेड़ा लोगों ने अपने लेवल दे उत्ते मनाउणा शुरू कीता, मैं कहिंदा इह काबिले तारीफ है। जदों समाज खड़ा हो जावे ना जी किसी गल दे विच, जदों लोग आप खड़े हो जाण, उदों फिर कोई गौरमेंट आया इन्हां नूं किसी गल नूं रोक नहीं सकदे। इसलिए जिन्नी छेती कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जाग जाणगे, जिन्नी छेती कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इहदे ते पुख्ता एक्शन लैणगे, उन्ना साडे पंजाब दी बेहतर। पंजाब दे नौजवान तां चिट्टे नाल मर रहे ने, कैप्टन साहब चुप बैठे ने, की कहणा चाहुंगे? इही मैं कह रहा ना जी कि हुण देखो इह जिहड़ियां मौतां होईआं दर्दनाक, जिहड़ियां सोशल मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते आईआं, जिहदे च आपां देख लिया कि हुण सरिंजां ला रहे ने सिद्धियां इंट्रावेनस अपनी सिद्धियां नाड़ां, और हुण इह पता लग रिहा वा कि की तां वो दवाई वरत रहे जी आप पशुओं को बेहोश करने वास्ते लाने। ये नौबत आई क्यों आ, इतने किने पहुँचाया इन्हों के? पंजाब तो बहुत दलेर लोगों का, बड़ा जिस्मानी तौर पर ताकतवर लोगों का सूबा मनिया गया सीगा। कुछ पिछले दो दहाकों तो मैं देख रहा वा कि एक तो बेरोजगारी बहुत वधी है पंजाब दे विच। अज भी सारिया गवर्नमेंट पोस्टा जिहड़ियां ने खाली पईआं ने, पटवारियों दीआं, टीचर्स दीआं, डॉक्टर्स दीआं, क्लर्कां दीआं। गुरबाज हुणी मेरे कोल आए सी पिछे चंडीगढ़, जिहड़ियां एसएस बोर्ड दी सारी प्रक्रिया बंद पई सी कि पोस्टां खाली ने, लेकिन गवर्नमेंट वह नहीं भर रही, तो बेरोजगारी वधन दे नाल लोगों दे विच मायूसी। दूजा मैं देख रहा कि पिंडां च जिहड़ी खेती की अर्थव्यवस्था वा वह डिग पई आ, तो खेती घाटे का सौदा हो गया। नहीं तो बहुत सारे नौजवान साडे पंजाब दे जिहड़े पेंडू तबके दे सी उह खेती करदे सीगे, और उहदे च उहनां दा बहुत डूंघा ध्यान सीगा, लेकिन हुण उह खेती भी फेल हो गई ते बेरोजगारी भी बेतहाशा वध गई। तो लोगों के कोल कोई चारा नहीं गा कि किन्ने अपने लोग बाहर चल जाएंगे। मेरे ख्याल जहाजा के जहाज भर के बाहर जा रहे हैं, जिहड़े बच्चे साडे इत्थे कहिंदे नशेड़ी ने जो बाहर आस्ट्रेलिया ते कैनेडा जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। सो इहदा मतलब मेरा यह मनना वा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तेलका हेडलाइन न्यूज, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।